रूपा धवन और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मीठे मीठे से गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा, जो हमारी आज की शाम को और भी मधुर बना देगा। तो बेहद खास है आज का मधुरिमा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन रागों की जिनकी उत्पत्ति सिर्फ 5 स्वरों से होती है, यानी जिनकी जाति ऑर्डर होती है। तो बेहद रोचक जानकारी के साथ आपके लिए लाए हैं हम मधुरिमा कार्यक्रम, और बहुत कुछ खास होंगी बातें आज के मधुरिमा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से तेरे प्यार को तरीते मेरा मन। आजा के अधूरा है अपना ही मन। कई सदियों साथियों, आज आप हैं मधुरिमा कार्यक्रम में रूपा के साथ, और रूपा बात कर रही है आपके साथ वो रागों की, उन रागों की जिन रागों को चुना जाता है, बनाया जाता है 5 स्वरों के साथ, यानी जिनका जन्म होता है 5 स्वरों के साथ, और इनकी जाति कहलाई जाती है औड़व। तो औड़व जाति के राग जो हैं, उसमें हमने आज शामिल किया है पहला राग, राग भोपाली। इस राग का भी जन्म जो होता है 5 स्वरों से होता है। इनके मध्यम और निषाद वर्जित स्वर होते हैं और शेष सभी शुद्ध स्वर होते हैं।
इसकी जाति औड़व है और थाट कल्याण है, गंधार वादी और संवादी है धैवत, और समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। ये राग जो है राग भोपाली, ये चांद के प्रकाश के समान होता है, शांत वातावरण पैदा करने वाला मधुर राग इसे माना जाता है। रात्रि के रागों में राग भोपाली बेहद सौम्य राग है, शांत रस प्रधान है। इसके गायन वादन से वातावरण गंभीर व उदात्त हो जाता है। ये भी औड़व जाति का राग है, यानी पांच स्वरों वाला राग है, और कर्नाटक संगीत में इसे राग मोहन कहा जाता है। आइए सुनते हैं इसी राग पर, यानी राग भोपाली औड़व जाति का राग, और इस राग पर आधारित सुनते हैं इस गीत को लता जी की आवाज में, जिसे हमने लिया है आपके लिए आम्रपाली फिल्म से। नील गगन के छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
बक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ, सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ। कार्यक्रम मधुरिमा, और मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं उन रागों की जो कम से कम पांच स्वरों से जिनका जन्म होता है। तो बात करते हैं अगले राग की, और अगला राग है हमारा राग शिवरंजनी। ये राग भी काफी थाट से जन्य माना जाता है, साथ ही इसमें भी पांच स्वरों का प्रयोग होता है। हालांकि इनमें पांच स्वरों से इनको राग को बनाया जाता है, लेकिन इनके गायन का समय जरूरी नहीं कि वही हो जो पहले हमने बोला, यानी भोपाली या फिर कोई और राग। तो इसका गायन समय है मध्य रात्रि। शिवरंजनी की राग की धुनों में रचे गीतों को हम सुनते आए हैं, पर शायद ही हमें पता हो कि ये गीत इस राग से है। शिवरंजनी राग हमारे खामोशी भरे लम्हों को, पलों को अपने तरानों में जाहिर करता है। सुनते हैं अनजाना फिल्म से ये गीत लता और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, जिसे हमने लिया है राग शिवरंजनी से। जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। राम में गिरिम झिम के गीत सावन
बड़ी लंबी जी की बातें, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। अगला राग है हमारा जो कि औड़व जाति का राग है, यानी पांच स्वरों से जन्य राग, वो है राग मालकोस। राग मालकोस रात्रि के रागों में बहुत ही लोकप्रिय राग है। इस राग के युगल स्वरों में परस्पर संवाद अधिक होने से इसमें मधुरता टपकती है। इस राग का चलन विशेषतया मध्यम पर केंद्रित रहता है। इस राग का विस्तार तीनों सप्तकों में होता है और इसका गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। वादी माँ और संवादी सा है। दोस्तों, भारतीय लोक कथाओं में कुछ ऐसे राग बताए गए हैं जो पत्थर को पानी में भी बदल सकते हैं और बारिश करा सकते हैं। राग मालकोस वो राग है जिसे बैजू बावरा, जो कि संगीत के विदुषी थे, उन्होंने महान गायक तानसेन के साथ संगीत द्वंद्व में मालकोस राग को गाया था। इस राग को उन्होंने इतनी शक्ति के साथ गाया कि एक पत्थर की शिला जो वहीं पास में रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, वो पिघलने लगी। इसके बाद बैजू ने अपना तानपुरा पिघले हुए पत्थर पर रख दिया और वो गाना बंद कर दिया। और तब तानसेन ने अपनी हार सहर्ष स्वीकार कर ली थी। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि संगीतकार तानसेन जी और बैजू बावरा जी दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य थे और उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास जी। आइए सुनते हैं राग मालकोस पर आधारित ये गीत जिसे हमने लिया है प्यार किया तो डरना क्या से, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, है। जाने बहार हुसन तेरा बेमिसाल है।
अदाएं ये बाँखपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बाँखपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुसैन तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ के तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ के तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे छड़ना मुहाल है, जाने बहार हुसैन तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुसैन तेरा बेमिसाल है। पांच स्वरों से जन्य राग राग विभास जिसकी जाति भी ऑर्डर है, पर ये राग जो है राग विभास बहुत कम सुनने को मिलता है। हिंदुस्तानी संगीत में देख लें, इस राग में ख्याल गायकी नहीं के बराबर ही होती है। हाँ, लेकिन कर्नाटक संगीत में ये राग काफी लोकप्रिय है। राग विभास की उत्पत्ति भैरव थाट से होती है और इसमें मा और नी स्वर का प्रयोग नहीं होता, जिस तरह से राग भोपाली में मा और नी वर्जित होते हैं। आइए सुनते हैं राग विभास पर ही आधारित ये गीत, जिसे हमने लिया है उत्सव फिल्म से। सुरेश वाटकर और लता जी की खूबसूरत आवाजों में सजा ये गीत आप सभी के लिए। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले, इतने में
चले नैनों को किरणों के पाखी सांझे ढले गगन तले हम कितने सभी निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी कपता है मन जैसे डाली अंबुआ की छोड़ चले कितने एकाकी। कार्यक्रम को पसंद किया सलीम अख्तर ने अलीगढ़ से, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शांति निकेतन से, उमेश धोपर वैशाली गाजियाबाद से हमें लिखकर भेजते हैं कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और ऐसी ही हमें उम्मीद भी थी कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। अगले मोड़ पर फिर किसी दिन फिर किसी राह पर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल रूप आपसे विदा लेती